पिछले 6-7 दिन से नॉर्थ सिक्किम के रस्तों पे उछल कूद करने के बाद अब वक्त था थोड़ा आराम फरमाने का। ये बंदा देखो रोमांस में डूबा हुआ ये बंदा। तो गैंगटॉक पहुंचने के बाद हमने डिसीजन लिया पूरे एक दिन तक रेस्ट लेने का। फील्स गुड टू बी ऑन द वॉल्स ऑफ होटल 100 पेटल्स। हम लोग कल लाचुंग से लौट गए थे गैंगटॉक शाम को। पूरा रास्ता एकदम खतरनाक वाला बारिश मिला था। अल्टीमेटली हमारा जूता सब कुछ भीग गया था। फिर हम लोग आके यहाँ पे हीटर चला के सब कुछ सुखाने के लिए रखे। तो आज सुबह को उठे हैं, अभी 7:30 बज रहा है और ये सीन है गैंगटॉक का। हम लोग का जो ईस्ट सिक्किम का परमिट है वो आज के दिन से है एक्चुअली, और आज से 6 तारीख का बना हुआ है। लेकिन हम लोग आज बिल्कुल राइड करने का मन नहीं कर रहा, कल पूरा भीग भी क्या है। आज रेस डे बेसिकली, तो बारिश रुकेगा तो हम लोग घूमने जाएंगे थोड़ा बहुत। लेट्स होप कि बारिश रुक जाए और क्या। और देखते ही देखते जैसे ही बारिश रुका हम दोनों निकल पड़े गैंगटॉक का थोड़ा लोकल टूर लेने के लिए। और सबसे पहला टारगेट था खाना। ये होटल का किचन मस्त है, ले चलूँ क्या? अभी हम लोग जा रहे हैं MG मार्ग थोड़ा वो शॉपिंग करने के लिए। तो की बाइक लेके निकलेंगे, क्या बोलते हैं? म्यूजिक। तो दोस्त ये है गैंगटॉक का MG मार्ग, इसे महात्मा गांधी मार्ग भी कहते हैं। यहाँ आने के बाद एक मोमेंट के लिए ऐसा लगेगा कि आप इंडिया के बाहर हो। तो हम लोग अभी आए MG मार्ग। MG मार्ग ऊपर है, अभी लाल बाजार रोड से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक नेपाली रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए। भयानक भूख लगा है। हम लोग आ गए हमरो भंसाघर, बहुत ही सजेस्टेड रेस्टोरेंट है। टेस्ट ऑफ टिबेट। मस्त वाला नेपाली थाली खाने के बाद हम दोनों निकल पड़े गूगल माता के सहारे गणेश टॉक जाने के लिए। और गणेश टॉक से गैंगटॉक का जो व्यू है वो आप खुद ही देख ले। तो सिटी से थोड़ा सा दूर पे ये सिचुएटेड है गणेश टॉक, और हम लोग अभी यहाँ पे आए थे। एक छोटा सा गणेश टेम्पल है, बहुत ही पुराना गणेश टेम्पल है एक्चुअली, और यहाँ से पूरा गैंगटॉक का स्काईलाइन दिखता है, बहुत सुंदर लगता है यहाँ ऊपर से। तो हम लोग थोड़ा अभी शाम का टाइम हो रहा है तो बहुत अच्छा टाइम लैप्स आया वो। तो मैं अभी नीचे वाला फ्लोर पे हूँ, थोड़ा खाली व्लॉग करने में ईजी पड़ रहा हूँ, ऊपर वाला फ्लोर पूरा भरा हुआ है। किसको मर्डर करने का प्लान कर रहे हैं? जो सामने आएगा उड़ा देना। ले ले। भूख लग रहा है। गैंगटॉक का MG मार्ग और गणेश टॉक घूमते घूमते हो चुका था शाम, और अगले दिन हमें निकलना था ईस्ट सिक्किम के राइड। लेकिन उससे पहले हमें अपने बाइक्स को करना था वॉशिंग, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम का धूल मिट्टी उस पर अभी तक चढ़ा हुआ था। कल का जर्नी स्टार्ट करने के पहले बाइक पूरा वॉशिंग करा लेंगे एकदम बढ़िया से यहीं पे। तो अभी मैं अपना गाड़ी लेकर आऊँगा होटल से, तो दोनों का गाड़ी साथ में वॉशिंग होगा। चलो जय बजरंग बली। एकदम होटल के पास में है वॉश एंड गो।
गैंगटॉक पे हम लोग जहाँ पे रुक के और नॉर्थ सिक्किम का राइड शुरू करने के पहले जहाँ पे हम अपना लगेज विश्वास के साथ छोड़ के गए थे, उस होटल का नाम था होटल 100 पेटल्स। अगर आप कभी सिक्किम आ रहे हो तो डेफिनेटली गेट इन टच विद राइड सिक्किम कम्युनिटी, उसका जो फेसबुक पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। बहुत ही हेल्पफुल कम्युनिटी है और ये होटल उन्हीं का इनिशिएटिव है। बहुत ही बाइकर फ्रेंडली होटल है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि होटल के जस्ट बाहर में एक प्यारा सा मैप बना हुआ है जिसमें पूरा सिक्किम का जितने भी प्लेसेस आप घूम सकते हो वो सारे मैप आउट किए हुए हैं। तो हम लोग जो ईस्ट सिक्किम जाएंगे वो है गैंगटॉक से जाएंगे छंगमो लेक, नाथुला का परमिट नहीं मिला है, हम लोग जाएंगे बाबा मंदिर, नाथांग वैली में रुकेंगे, नाथांग वैली से जुलूक होके हम लोग निकल जाएंगे अरितार की तरफ। बहुत ही अच्छा जगह 100 पेटल्स रहने का, बाइकर फ्रेंडली होटल एकदम, आपको पैसे भी कम लगेंगे। वैसे तो गैंगटॉक पे घूमने के लिए और भी बहुत सारे जगह है लेकिन हम इतना ज़्यादा थके हुए थे कि रेस्ट करना ही बेटर समझे, तो फिलहाल हम लोग रेस्ट लेते हैं। और अगर आप मेरे सिक्किम सीरीज़ के यहाँ तक के सारे वीडियोज़ नहीं देखे हो तो वो सब डेफिनेटली जाकर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग जहाँ पे मैं ईस्ट सिक्किम की तरफ ट्रैवल करूँगा। Thank you for watching this video, guys. Thank you for making me a part of the day. See you in the next vlog.